नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बिस्ट्रो 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की सीरीज, जो कि नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, और जो सिंगल्स हैं जो क्रश के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए होगी, या आपके जोडियक साइंस पे बेस्ड होगी। और हम चेक करेंगे 2024 आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी, क्या इंटेंशंस होंगे, हम ये चेक करेंगे। सो आपको पता है आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है। जैसे आप चेक करते हैं अपने जोडियक साइन को, आपको वैसे ही चेक करना है सन मून राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको वैसे चेक करना है। और हम चेक करेंगे कि कैसे रहेगा 2024। हेलो टू माय एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2024 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए लव लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस साल। पहले हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट में जो है उनके लिए, फिर हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में हैं, देन क्रश के लिए एंड देन सिंगल्स के लिए। ठीक है, सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे, डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं आप। अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। एंड प्लीज़ गाइस, मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस साल। प्लीज़ गाइस, माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. कुंभ राशि वाले आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। ठीक है, नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 2, 2, 8, 18, 7, 12 एंड 5। ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, रनिंग चेजिंग वाली एक डायनामिक दिख रही है मुझे यहाँ पे। कभी कोई इंसान यू नो भागता है, कोई उसके पीछे भागता है, फिर दूसरा इंसान भागता है तो यू नो पहला इंसान उसके पीछे भागता है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये इंसान कुछ नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें ख़त्म कर दिया है रिश्ता, या फिर यू नो ऐसा नहीं है, अभी भी बने हुए हैं इंसान इस रिश्ते में। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा लकी देखते हैं, यू नो सर्वगुण संपन्न वाली एक एनर्जी में आपको देखते हैं, और इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर किया है, ऐसी एनर्जी। एक्शन इनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहे हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, जैसे भगवान की मर्जी होगी वैसा होगा, ऐसा कुछ इनका इनकी थॉट दिख रहा है मुझे। ठीक है, जगलिंग कर रहे हैं अपने माइंड और सोल के बीच, कनेक्ट करना चाहते हैं और नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। हालांकि फीलिंग्स इनके मन में बहुत है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, और जैसी फीलिंग्स इनकी है वैसी ही फीलिंग्स आपकी भी है, आप भी इस इंसान से यू नो वैसे ही प्यार करते हो जैसे ये इंसान आपसे, जैसे इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। ठीक है, पास्ट में इनका अपने करियर फाइनेंस में फोकस था, ऐसा दिख रहा है मुझे, और फ्यूचर में भी ये इंसान अपने आप में ज़्यादा फोकस रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी ही आपको दिखाएंगे ये इंसान, मुझे ये दिख रहा है। सो ओवरऑल एक्वेरियस के लिए जो मुझे दिख रहा है कि ये साल आपकी लव लाइफ के लिए इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि इनडिसाइसिव हो आप भी मुझे डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, यू नो करना है आगे, बात बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, ख़त्म करना है नहीं ख़त्म करना है, ऐसी एक एनर्जी भी दिख रहे हैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, और ये इंसान भी ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स यहाँ दोनों के मन में ही हैं, लेकिन दोनों ही डिफेंसिव हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है।
अपने कंफर्ट जोन में है, अगर सेपरेशन है तो उसी में कंफर्ट हो गए हैं, ऐसी एनर्जी है। अब एक्शन कौन लेगा कौन नहीं लेगा वाली एक दिक्कत दिख रही है। मन की बात मन में ही रखे हैं दोनों, और ऑब्स्टिकल भी यही है कि दोनों ही अपनी फीलिंग्स को अंदर छुपा कर रखे हैं, बता नहीं रहे एक दूसरे से। और इस साल भी मुझे ये दिख रहा है कि दोनों अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं। अगर सेपरेशन चल रहा है तो चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यू नो फ़र्क पड़ भी रहा है तो अंदर ही चीज़ों को दबा कर रखा है, सप्रेस्ड कर रहे हैं फीलिंग्स अपनी, इमोशंस को बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो क्या करना चाहिए आप लोगों को, एक अलग पर्सपेक्टिव में इस रिश्ते को देखने की ज़रूरत है आप लोगों को। इस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, ये इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए इस साल, ठीक है। सो मुझे एक्वायरियस के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई एक्शन आपके पार्टनर लेंगे इस साल, और चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन ही चलेंगी मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है 2024 में। टर्न प्लीज गाइड। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है 2024 में। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस साल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। सेम एनर्जी। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, यस, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 15, 6, 10, 4, 6, 7 एंड 7। सो डबल नंबर्स बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं आप दोनों, स्पिरिचुअल ग्रोथ इस बार देख सकते हैं आप दोनों। अबंडेंस हो सकता, अबंडेंस आ सकता है आप दोनों के लाइफ में। ओके, सो फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पार्टनर की, ये इंसान आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लाइफ में, आप इनके लाइफ में होने चाहिए, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी, किसी भी तरह से अपने लाइफ में आपको बना कर रखे, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी। ये इन्होंने यू नो बहुत चीज़ों को इन्होंने सरेंडर किया, अपने बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को ये सरेंडर करेंगे इस साल। बहुत सारे इनके पैटर्न्स ऐसे रहे होंगे पास्ट में जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, उन सब को ये इंसान सरेंडर करेंगे इस साल, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर रहेंगे, बातें इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, लेकिन फिर भी एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एक बिहेवियर है ना, थोड़े से एरोगेंट है ये इंसान, सो ये सब चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने वाली एक एनर्जी ज़रूर दिख रही है, जहाँ ये चाहते हैं कि ये आपके लिए सुधरें, ठीक है। पास्ट में भी मुझे अप डाउन्स दिख रहे हैं आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा अप डाउन तो हो रही थी चीज़ें, लेकिन इस साल ये इंसान एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, एक स्टेबल रिश्ता चाहेंगे आपके साथ, और हम हमेशा ये इंसान जो है ना अपने तरफ से एफ़र्ट्स लेंगे, अगर पास्ट ईयर्स में ये एफ़र्ट्स नहीं ले रहे थे तो। आपकी एनर्जी भी ऐसी है, आप तैयार हैं इस रिश्ते में जो भी जिम्मेदारी है उसको लेने के लिए, ठीक है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली जो भी आपको ज़रूरत होगा आप वो चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते में। और ये इंसान मुझे हील करते दिख रहे हैं अपने आप को, अपने नेगेटिविटीज़ को। मैंने बोला ना कि आपके लिए ये इंसान चेंज होने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। फियर क्या है इनका, या फिर इनको ऐसा लगेगा ना कि फियर नहीं बोलेंगे इसको, ये ब्लेसिंग्स की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका आना जैसे ईश्वर ने इनको कोई आशीर्वाद के रूप में आपको दिया है, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी। और बहुत ज़्यादा एक डिवाइन लव आपसे फील करेंगे ये इंसान, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करेंगे, और स्ट्रांग होगा बॉन्ड इस साल आप दोनों का, ठीक है।
ये जो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इस रिश्ते में पहले एफर्ट्स रहे से जो डर रहे थे, इस साल ये इंसान इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होंगे। जो भी आप चाहते हैं, जो आपके डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए रेडी होंगे। ऐसी एनर्जी है, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी होगी इनकी, बहुत तुरंत तुरंत एक्शन लेना, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, ऐसी एक एनर्जी होगी इनकी, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी डिफेंसिव एनर्जी है। क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए आप लोगों को, या फिर बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना चाहिए आप दोनों को, ये इंपॉर्टेंट होगा इस साल। ठीक है, सो ये है जो कॉन्टैक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं मेरे कुंभ राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है 2024 में। प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन 2024 में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। सबके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है 3, 10, 5, 19, 17, 6, 7, 5, 2, 5। यस, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके साथ टीम वर्क करना चाहेंगे इस साल। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रहा है यहाँ पे, मैरिज का प्रपोजल आपको दे सकते हैं आपके क्रश इस साल, या फिर कुछ ना कुछ प्रपोजल आपको इस साल इनसे ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये इंसान या तो बिजनेस का ऑफर दे सकते हैं आपको, या फिर यू नो फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, या फिर प्रपोज कर सकते हैं आपको, या फिर मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। ये इंसान डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े से मायूस हैं आपके बिना, ऐसी एनर्जी इनकी है। ये आपके साथ सक्सेस देखना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, या आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। पास्ट से ही इंसान बहुत होपफुल है आपको लेके, इनको ये पता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ जर्नी इनकी है जिसको लेके ये बहुत होपफुल हैं। ठीक है, और फ्यूचर में मुझे ये आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सक्सेस चाहते का मतलब ये है कि आपको सोशली इंसान कोई टैग देना चाहते हैं, मिस्टर और मिसेस बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आप थोड़ा सा मुझे या तो इनको चीट करते दिख रहे हो, या फिर स्ट्रैटेजी प्लान करते दिख रहे हो कुछ, कि इनके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, वैसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, लेट्स क्लेरिफाई इट। क्यों है रिवानी यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। इनसे मैरिज करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजाइज करते आप दिख रहे हो। सो मे बी घर में कैसे मनाना है, या फिर घर में क्या बोलना है, ऐसी कोई एनर्जी। कुछ ना कुछ इनके साथ स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ ना कुछ प्लान करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे और साथ में लड़ेंगे भी आपसे। आर्ग्यूमेंट कुछ हो सकती है जब ये प्रपोज करें कि आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं बोला, ऐसा कुछ कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे ये आपको प्रपोज करेंगे या तो आपसे फाइट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, या फिर इनके घर परिवार में कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है जब ये आपको प्रपोज करें, या फिर आपको इमोशनल प्रपोजल दें, या आपसे मैरिज करना चाहें, तो इनके घर परिवार में कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, अपनों के साथ इनकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये जगल कर रहे हैं, ये है प्रॉब्लम। इनको डिसीजन जो लेना है ना वो नहीं ले रहे हैं, या तो ये, या फिर फाइनेंशियली ये इंसान जगलिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है जिससे कि आपके साथ ये मैरिज करके आपको वो सुख सुविधा दे सके, जिसके चलते ये जगल कर रहे हैं, परेशान है उसको लेके। ठीक है, आउटकम मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अगेन एक मैच्योरिटी दिख रही है, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी हो सकती है इनकी, ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब लव कम अरेंज वाली मैरिज एक हो सकती है ये, या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करते दिख रहे हैं दोनों आप लोग। ठीक है,
क्या करना चाहिए आप लोगों को, अपने फाइनेंस पे इस साल बहुत फोकस होना चाहिए आप दोनों को ही, ठीक है? मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, यस मुझे ये दिख रहा है। सो जो क्रश के लिए देख रहे हैं, एक प्रपोजल ज़रूर मिलेगा आपको इस साल। ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, या फिर आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल देते ज़रूर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? सो ये है क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं कुंभ राशि वाले मेरे, उनके लिए क्या लेकर आ रहा है 2024। टर्न प्लीज़ गाइड, मेरे कुंभ राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 2024 में। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। जो सिंगल्स हैं कुंभ राशि वाले, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो इस साल रुक जाएं, इस साल अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे थोड़ा सा फोकस कर लें। फाइनेंशियल गेन आपको इस साल हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं दिख रहा है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा भी तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और आप हर्ट होंगे या फिर आप उनको हर्ट करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ी सी एनर्जी आपकी इमेच्योर वाली एनर्जी है, रिश्ते के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ आप इस साल थोड़ा सा ग्रो करेंगे, इस साल आप रिश्तों को समझेंगे और उस पर कैसे एफर्ट्स लेने हैं आप ये समझोगे। सो इस साल अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, इस साल नेक्स्ट ईयर करें, ताकि वो मैच्योरिटी के साथ आप मैरिज कर पाओ कि कैसे निभाना होता है रिश्तों को, ठीक है? सो मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप तैयार नहीं हैं पूरी तरह से, लेकिन आप चाहेंगे कि कोई इंसान आपके लाइफ में आए। सो थोड़े से स्टबन भी हैं आप, थोड़े से ज़िद्दी भी है आप में, वो सारी चीज़ें इस साल मुझे रिलीज़ होती दिख रही हैं और आप मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। सो मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस साल रुक जाएँ, ठीक है? सो ओवरऑल गाइडेंस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एक्वेरियस, गाइडेंस फॉर माय एक्वेरियस, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू माय प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। हैव नो फियर, Fear is a trap of the ego. Allow me to use my swords of light to free you from the disquieting feelings holding you back. So, divine, आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि जो भी डर आपके अंदर है ना, वो डर को निकाल दें। ये डर जो है वो ईगो से आ रहा है, ठीक है? या तो इमेज कॉन्शियस हो आप, या फिर ऐसा कुछ है जो कि आपके ईगो से डर पैदा हो रहा है, और डिवाइन ये गाइड कर, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अलाउ करें उनको, ताकि वो आपके ईगो को कट कर पाएँ, उनके लाइट से आपकी ईगो को वो ख़त्म कर पाएँ और आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकाल पाएँ, ठीक है? जो कि आपको पीछे खींच रही है, आपके डर जो है जो आपको पीछे खींच रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उनको वो ख़त्म कर पाएँ। रिकग्नाइज द साइन फ्रॉम अबाव, एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेज नाउ, बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, कोई नंबर्स के, कोई रिपीटेड नंबर दिखना, या सिंक्रोनिसिटीज का होना, या फिर कुछ ऐसे बर्ड्स का दिखना जो कि स्पिरिचुअली आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप या तो नोटिस नहीं कर रहे हो, या फिर देख के भी आप अवॉइड कर रहे हो उन चीज़ों को। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीज़, जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, उनको डिकोड कीजिए और आगे क्या करना है समझिए उसको, ठीक है? एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस, व्हाटएवर मेक्स यू हार्ट जॉयफुल इज व्हाट यू आर मेंट टू बी डूइंग। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके लाइफ पर्पस के टुवर्ड्स। जो भी चीज़ें आपके दिल को बहुत सुकून देता है, वही काम आप करें, वही आपका लाइफ पर्पस होगा, ठीक है? सो यहाँ पे आपको अपने लाइफ पर्पस को समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा काम है जिसको जब आप करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, आपकी आत्मा जो है वो सुकून में आती है, शांति महसूस होती है, वो काम आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है? उसको कंटिन्यू करें।
सो माय डियर एक्वेरियंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।